परीक्षित ने प्रश्न किया, मेरा अंतिम यह प्रश्न है आज के इस प्रसंग का कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवों को बचाते हैं, और भगवान के लिए तो सबका भाव एक होना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पहली बात तो भगवान जिसको मारते हैं उसे मारते नहीं हैं, संहार नहीं करते, अभी तो उसी पल उसका उद्धार कर देते, उसे भवपार कर देते हैं। तुमने जो प्रश्न किया है ना, ऐसे ही प्रश्न किए थे रासु यज्ञ में तुम्हारे पूर्वज धर्मराज युधिष्ठिर ने, जब शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहे थे, और 100 अपशब्द कहे थे, एक दो नहीं। और कहने के बाद जैसे ही 100 पूरे हुए, कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ दिया और उसका मस्तक हटा तो दिव्य तेज निकला और वो जाकर के कृष्ण में समा गया। धर्मराज के बगल में नारद बैठे थे, बोले, इसने अभी अभी कृष्ण को इतना कुछ कहा और भगवान कृष्ण ने उसे अपने में विलीन कर लिया, पार कर दिया। नारद ने कहा, ये जिनको तुम देख रहे हो ना शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के द्वारपाल हैं, ये तो इनका आखिरी जन्म है। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। सनकादि के श्राप से पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। परीक्षित ने रोका, गुरुदेव, हिरण्याक्ष को तो आपने बता दिया था कि भगवान ने कैसे मारा, लेकिन हिरण्यकश्यप को कैसे मारा था? आज की कथा का अंतिम चरण तब बताते हैं, हिरण्याक्ष को जब मारा है तो हिरण्यकश्यप ने देखा, तो मैं इतना कठिन तप करूंगा कि भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा, और बाद में जब नारायण प्रसन्न हो जाएगा, ब्रह्मा विधाता वर देने आएंगे, तो उनसे यही वर मांगूंगा कि उस नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला ले पाऊं और मुझे अजर अमर कर दें, जिससे कि उनके बल उनकी शक्ति से मैं मृत्यु को प्राप्त ना हो पाऊं। हिरण्यकश्यप चल दिया, कयाधु सगर्भा है, इंद्र हरण करके ले जाने लगा, नारद कयाधु को छुड़ा करके अपने आश्रम में लाए। गर्भ में जो बालक है वो केवल भजन सुनता है, सत्संग सुनता है। हिरण्यकश्यप ने तप किया, ब्रह्मा जी आए, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अजर अमर कर दो ना। ब्रह्मा ने कहा, वो तो हम स्वयं नहीं है, हर चतुर्युगी के बाद ब्रह्मा बदलते हैं, कुछ और वर मांगो। वर मांगे थे, मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस से मरूं, ना सस से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती में, ना आकाश में, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। नारायण से तो सीधा सीधा बैर है ना, तो नारायण से सीधा युद्ध छिड़ेगा, इसलिए जितने उसको लगे उस समय उतने वर मांग लिए और स्वयं मन गया भगवान। हाँ, जैसे आजकल बहुत भगवान है, हम भगवान, हम भगवान, ऐसे भगवान बन गए कि लोगों के घरों से भगवान की जो चित्र हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, वो भी लोगों ने हटा दी, अब कोई ना कोई एक भगवान आ जाते हैं, रोज रोज आते प्रकट होते महाराज। भक्त हम बने, हम दासों के दास बने, भगवान को भगवान रहने दे। अभी भगवान बनने की सामर्थ्य कई जन्मों तक मिलने वाली नहीं है, लेकिन जिस नारायण से वो हिरण्यकश्यप इतना बैर करता है, उसी के घर में नारायण के परम भक्त ने अवतार ले लिया, प्रहलाद जी महाराज। कयाधु के गर्भ से चौथे चतुर्थ बालक के रूप में आते हैं प्रहलाद। कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने गुरु के पुत्र संड और अमरक के पास में भेजा, जाओ इसे ले जाओ, कूटनीति सिखाओ, राजनीति सिखाओ। लेकिन जिसे एक बार रंग चढ़ गया हो ये प्रेम का, भक्ति का, उसे दूसरा रंग अच्छा लगने वाला नहीं है। आप कथा में बैठिए और यदि आप भाव से बैठे हैं तो यहाँ से जाने के बाद कहीं संसार की वो कोई पार्टी हो ना,
जो होती है, जिसको कहते हैं डिस्को डांस इत्यादि, वो आपको बिल्कुल भी अच्छी लगने वाली नहीं है। क्योंकि जो रस आपको यहाँ, जो श्याम रस में एक बार डूब जाएगा, उसको माया का रस अच्छा लगने वाला नहीं है। संडोर अमर्क से एक दिन प्रहलाद को बुलवाए और पूछे, गुरुदेव ने क्या बताया? पिताजी मुझे तो पता नहीं गुरुदेव क्या बताते हैं, मुझे तो इतना पता है ये संसार अंधे कुएं के समान है, इससे पार जाना है तो मेरे नारायण का भजन करना होगा। हिरण्यकश्यप ने सुना, संडोर अमर की ओर देखे, महाराज क्षमा करें, हमने कुछ नहीं बताया, पता नहीं अपने मन से क्या बोल रहे, ले जाओ और अब की बार उसके मुख से कूटनीति ही सुनना चाहूंगा। फिर ले गए और जब दोबारा दूसरी बार बुलाए, अब की बार क्या बताया, क्या पढ़ाया? अब की बार तो सीधे नौदा भक्ति बता दी प्रहलाद ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी नारायण की प्राप्ति के लिए ये नौ प्रकार की भक्तियां हैं, इनमें से जो आपको अच्छी लगे उस पर चल करके और मेरे नारायण को पालो। अरे जो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरे बैरी का गुणानुवाद मेरे सामने कर रहा है, गोद से जो धरती पर पटके और इशारा किए, और आपको पता होना चाहिए प्रहलाद जी को एक कोठरी में बंद किया गया, सर्पों को छोड़ दिया गया, हाथी के पांव तले डाला गया, खाई में फेंका गया। वो होलिका नाम की हिरण्यकश्यप की बहन, जिस पर अग्नि का प्रभाव नहीं था उसके ऊपर, लेकिन क्या हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद को कहीं खरोच तक नहीं आई। इतने दिनों बाद भी जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप को लगा, अब ले जाओ, शायद इतना कष्ट सहने के बाद कुछ बुद्धि ठिकाने आई हो और वो कूटनीति सीख जाए और नारायण का नाम भूल जाए। प्रहलाद गए, छोटे छोटे बाल सखा आए और कहते हैं, प्रहलाद तुम क्यों उस नारायण का नाम भजते हो जो जिसका नाम भजने से तुम्हें इतना कष्ट मिलता है? प्रहलाद ने कहा, अरे तुम बावले हो क्या? अगर मैं नारायण को ना भजता तो मैं छोटा सा बालक, मेरे पिता ने मुझे जो कष्ट दिए वहां से मैं जीवित लौट के वापस आने वाला नहीं था। मैं तुम्हारे सामने जीवित हूँ, ये उसकी ही कृपा है। बालक कहते, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आता है, आओ बहुत दिनों बाद मिले हो, चलो ना कुछ खेलते हैं। प्रहलाद ने कहा, जो खेल हम खेलें क्या तुम वो खेलोगे? छोटे छोटे से बालक, और आज एक भगवत भक्त ने दैत्य बालकों के मुख से भगवान नाम बुलवा दिया। आज प्रहलाद कहते हैं, नारायण तुम कहाँ हो गोविंद? अगर कभी सामने मिल जाओ, और मैं छोटा हूं लेकिन मेरे हाथ कभी इतने ऊंचे हो जाएं कि जहां तुम हो वहां तक पहुंचे, और ये चांद सितारे जो हैं इनको निकाल निकाल के और आपका सुंदर श्रृंगार कर दे। वो भगवान का भक्त गा रहा है और दैत्य बालक भी गाने लगे। क्या गाने लगे? अगर आसमां तक ये हाथ मेरे जाते तो चांद और सितारों से हम तुमको सजाते। अगर आसमां तक हाथ मेरे जाते चांद और सितारों से आनंद से गाइए तुमको सजाते। अरे ऐसा भजन चलता जा रहा है, दिल को न बेकरार करो। बाहर आवाज गई, इतनी बढ़ गई, हिरण्यकश्यप ने सुना। अभी तक जितने आ रहे थे उनके बोलने पर भजन नहीं बंद हुआ, लेकिन ये जैसे ही आया, बंद करो भजन, एकदम ताल में हो गया है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बंद करो भजन।
और सच में वहां पे ऐसे ही तुरंत भजन बन। हिरण्यकश्यप ने देखा संड और अमरक तुम भी, बोले महाराज क्षमा करो, हम अपने मन से नहीं आए, इनको रोकने आए थे। प्रहलाद को स्पर्श करने के बाद न जाने कौन सा कितने वोल्ट का करंट लगा, हम भी नाचने लगे। कुछ भी कहो महाराज, लेकिन आनंद बड़ा आ रहा था, मेरे बैरी का नाम लेते और आनंद आ रहा था। हे दुर्विनीत मंदात्मा कुल भेद कराधम प्रहलाद, बता बहुत नारायण नारायण करता है ना, बता तेरा नारायण कहाँ गए। पिताजी उसको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम में तुम में खड़ग खम में, वो घटघट में बसता है, उसको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, तो इस खम में भी है। हाँ पिताजी, हर रोम रोम में, हर कड़कड़ में मेरा नारायण समाया है, है तो बोलो आज इससे बाहर निकल करके आए। आज प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे गोविंद, आज तक मैंने आपसे कहा नहीं कि सामने आओ, आज मेरी नहीं, आज भक्त की नहीं, भक्ति की लाज रखनी है, आज उस प्रेम की लाज रखनी है, क्योंकि वो देखो कश्तियां सब किनारे पहुंच गई, अब हमको भी तो उस पार करो, ये हाथ थाम लो। और तब भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान जो ही इशारा पाए हैं, उस खंभ को चीरते हुए परमात्मा नरसिंह के रूप में बाहर आते हैं। बोलिए नरसिंह तो भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की। गुरु गुरु की वो आवाज करते हुए बोलिए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की। नरसिंह भगवान का आगमन हुआ है। हिरण्यकश्यप ने देखा तो देखते ही मूर्छित हो गया, बाद में मूर्छा खुली और भगवान ने उसको फटकार लगाते हुए बीच ड्योढ़ी पर बैठ करके और उसको अपनी जंघा पर बैठा करके अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीरते हुए दोपल में उद्धार कर दिया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। परंतु भगवान का क्रोध इतना अधिक हो गया है, जो किसी के शांत कराने से शांत ना होता, तब देवों ने उस छोटे से बालक को भेजा और भगवान ने उस छोटे से बालक को गोद में ले लिया, अंक में भर लिया है, बड़े प्रेम से लाड लड़ाने लगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज अद्भुत यह दृश्य नरसिंह भगवान और भक्तराज प्रहलाद जी का है।